With big suspense and indifferent libas, Maharani Jayavanta Bai is making a comeback in her popular TV show Maharana Pratap. इस शो में होने जा रहा है प्रताप और अकबर के बीच महायुद्ध का आगाज। तो ऐसे में भला कैसे अपने प्रताप का ना देती उनकी माँ उनका साथ? तो भाई इसी मौके पर वो आ पहुँची हैं अपने घर अपने परिवार के पास। लेकिन कमबैक के साथ आखिर क्या है उनके इस बदले लिबास का राज? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसका जवाब तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे उन्हीं के पास। बहुत अच्छा लग रहा है और जब गई थी मैं तब इसी वेश में थी एक्चुअली, बट लोगों को शायद वही जयवंता पसंद है और वही जयवंता याद है जो पूरे गहने पहनकर पूरी महारानी के लुक में थी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैं महाराणा प्रताप के सेट पर हूँ और सारे लोगों के साथ आज शूटिंग करने में वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मिस किया सबको और आई होप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया और अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंट्री और बहुत सारी डेवलपमेंट्स और बहुत ड्रामेटिक सीन्स हैं और पहला ही सीन बहुत सारे डायलॉग्स और बहुत सारी लाइन्स हैं तो पूरा दिन लगा है एक सीन करने में और मज़ा आ रहा है बहुत सारी लाइनें और बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने में और अच्छा लग रहा है। और फॉर अ चेंज एक हल्का सा लुक है क्योंकि वो हेवीनेस नहीं है तो लाइंस भी जल्दी जल्दी हो रही है। वैसे आपने जयवंता बाई यानी कि राजश्री ठाकुर की री एंट्री का नज़ारा तो देख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके कमबैक से इनके को-स्टार्स एंड बाकी लोगों का क्या रिएक्शन रहा? नहीं ना, तो ये कहानी भी आप खुद इन्हीं से सुन लीजिए। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था और बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया मुझे और सारे जो मेरे लोग हैं टेक्नीशियंस हैं मेरे मेकअप मैन हेयर ड्रेसर वो तो मतलब मुझसे ज़्यादा खुश हुए थे और मेरी रूम जैसे के जैसे जैसे मैं छोड़कर गई थी वैसे ही उन्होंने रखी है और बहुत अच्छा वेलकम मिला मुझे। सारे लोग खुश हैं और सब लोग अब बहुत सारी लाइनें होंगी और बहुत सारा ड्रामा होगा ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आई होप कि इससे भी अच्छा काम हो आगे भी और अच्छा चले और कई साल चले महाराणा प्रताप। ओहो क्या बात है, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि आखिर इतने दिनों के ब्रेक में आपने क्या क्या किया, आखिर किस तरह से अपने हॉलीडेज को एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया मैंने हॉलीडे और कई जगह घूमी और उत्तराखंड गई थी मैं हिमालयाज भारत के कुछ गिने चुने स्थान है हरिद्वार ये सब देखने गई थी। बहुत मज़ा आया और बहुत अपनी लाइफ एंजॉय की। जैसे काम होता है या शूटिंग होती है तब शूटिंग के अलावा कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। जो नहीं कर पाई थी शूटिंग के दौरान डेढ़ साल वो सब कुछ किया मैंने इन महीनों में और बहुत मज़े किए। वेल राजश्री ने तो अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर एक बार फिर से बिग सस्पेंस के साथ कमबैक कर लिया है, लेकिन अब देखना ये है कि आखिर इनके आने से कहानी में और क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आप इनकी री एंट्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताना ना भूलें।